नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, हमारे पास जो ई रिक्शा आती है, हमारे पास जो बैटरी वाली रिक्शा होती हैं, उसका एक कंट्रोलर है, इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट वोल्टेज जब इसमें 36 से लेकर 72 वोल्टेज तक जाती है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिलती है 12 वोल्ट। यानी कि जो ई रिक्शा या बैटरी वाली हमारी रिक्शा होती है, उसके अंदर ये लाइट और हॉर्न चलाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रेड वायर और ब्लैक वायर, यहाँ पर इनपुट, यानी कि रेड और ब्लैक जो है वो हमारी इनपुट वायर है, जहाँ पर हम 36 से 72 वोल्ट देंगे, और येलो वायर पे हमें आउटपुट मिलेगी। यानी कि जो हमारा ब्लैक वायर है और यहाँ पर जो येलो वायर है, इन दोनों से हमें आउटपुट मिलेगी। क्योंकि ये जो ब्लैक वायर है, ये कॉमन वायर है, क्योंकि ये हो गया हमारा ग्राउंड, और रेड वाले पे हमें यहाँ पर 36 से 72 वोल्ट देना होगा, और येलो वायर पे हमें आउटपुट में ये हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगी। तो ये जो है, ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है हमारे ई रिक्शा के अंदर। जैसे कि हमें लाइट चलाना है 12 वोल्ट का, हॉर्न चलाना है, या कुछ भी उसके अंदर ऐसा सामान है जो 12 वोल्ट से चलने वाला है, तो ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो उसका बैटरी होता है, किसी ई रिक्शा में 36 वोल्ट होती है, किसी ई रिक्शा में 48 वोल्ट होती है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए जिस तरफ से वायर है, इस तरफ से हम इसके जो 4 स्क्रू हैं उसे खोल लेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर हमें कि क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिस तरीके से ये काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कस्टमर का कहना था कि वैसे ये हमारा मतलब वोल्टेज जो है हल्की फुल्की दिखा रहा है, लेकिन लोड ले लेता है एकदम से, चलता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से 4 स्क्रू हमने खोल दिया। अब यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, जो हमारे ये मोसफेट लगे हुए हैं इसमें एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से खोल देंगे। तो एक स्क्रू ये रहा हमारा, तो ये देखिए, ये वाला स्क्रू जो है हमारा मोसफेट पे लगा हुआ रहता है, जो अंदर हमारी क्लैंप होती है। ये देखिए, ये जो बाहर आ गया, ये जो हमारे यहाँ पर मोसफेट लगे हुए हैं, ये इस तरीके से क्लैंप लगी होती है इस बॉडी में कसने के लिए, और यहाँ से स्क्रू कस देते हैं तो इस तरीके से ये कस जाता है। तो अब देखिए, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अभी हमें यहाँ से देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके मोसफेट हैं, इन दोनों को हम चेक करेंगे कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर को बीप की रेंज में रख देंगे, जहाँ पर बीप बोलती है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर बीप आ रही है। अब हम इन दोनों जो मोसफेट वगैरह हैं हमारे, इनको चेक करेंगे, कोई मोसफेट हमारा शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये वाला यहाँ पर जो मोसफेट है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, और यहाँ से सही दिखा रहा है। फिर इसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ शॉर्टिंग आ रही है। यहाँ पर शॉर्टिंग अब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्रिंट एक ही बनाए गए हैं, तो ये हमेशा यहाँ पर दो पिन पे शॉर्टिंग दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों तो मोसफेट हमारे हमें सही लग रहे हैं देखने से, और अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ये देखते हैं कि कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है जो हमें यहाँ से ख़राब दिखाई दे रहा है। तो आईसी वगैरह यहाँ पर एकदम साफ दिखाई दे रही है, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर भी सही है हमारा, और ये हमारा कपलर जो है ये भी अभी हमें सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है ये फूला हुआ है, ये देखिए, देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है ये हमारा फूला हुआ है, और ये वाला सही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो कैपेसिटर है इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये देखिए फूला हुआ कैपेसिटर है, और कभी भी कैपेसिटर अगर फूल जाता है तो वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसका जो माइनस पॉइंट है, देख लेंगे किस तरफ लगा हुआ है, और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इस पर पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा देता हूँ, क्योंकि सोल्डर लगाने से क्या है, ये आराम से अब निकल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ सोल्डर लगा दिया, और इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे बाहर निकाल लिया, और इसका वैल्यू है यहाँ पर 35 वोल्ट है और 470 UF है, यानी कि 470 UF और 35 वोल्ट। इसको साइड कर देते हैं, और देखिए फूला हुआ है ये यहाँ से, ये देखिए, इसको रख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप प्रिंट को साफ़ कर लेते हैं। दूसरा जो हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे,
तो इसको यहाँ अच्छी तरीके से हम इसे प्रिंट को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास नए कैपेसिटर हैं, ये लगा देते हैं। ये भी हम सेम वैल्यू का ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास 35 वोल्ट नहीं है, 50 वोल्ट है, तो आप 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो माइनस जो हमने पॉइंट देखा था, माइनस पॉइंट को देख के तब लगाएंगे। तो ये देखिए माइनस हमने इस तरफ देखा था, तो इसी तरफ इसको लगा देंगे। ये हमने माइनस पॉइंट इधर लगा दिया, और इसको जो है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम मिलती है वो सिर्फ यहाँ पर मॉस्फेट और हमारा ये कैपेसिटर वगैरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब इसको हम वापसी सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हमारे देखिए ये सोल्डिंग हो गया। अब यहाँ पर हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड वायर और ब्लैक वायर इनपुट है, तो हम तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने टेस्टिंग करने के लिए एक यहाँ पर बूस्टर मॉड्यूल लगा लिया है, और मैं आपको इसको पूरा टेस्टिंग दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए बूस्टर मॉड्यूल में जो हमने यहाँ पर आउटपुट इसमें से निकल रही है वो हमारी देखिए 39 वोल्ट निकल रही है। इसको टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास ये मॉड्यूल था, तो हम इसी से ही टेस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर अब येल्लो वायर जो है इसका आउटपुट पर हम चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट पर हमें प्रॉपर 12.3 वोल्ट मिल रही है, यानी कि ये जो रेगुलेटर है। और यहाँ पर देखिए इनपुट हम इसे कितना दे रहे हैं, 38 वोल्ट, और यहाँ पर आउटपुट पे हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो रेगुलेटर है हमारा पूरी तरीके से सही हो गया है और एकदम बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। तो ये रेगुलेटर हमारा एकदम ओके हो गया है, कैपेसिटर की प्रॉब्लम थी इसी के वजह से ये लोड ले रहा था। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना।